बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड करता है। हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में लेजर्स अकाउंट मेंटेन किए थे कि जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं। इस लेक्चर में बेटा हम लेजर से उसका नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रायल बैलेंस, उसको प्रिपेयर करेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। हमने बेसिकली बेटा स्टार्टिंग में एक अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया था। अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली स्टार्ट होता था हमेशा ट्रांजैक्शन से, कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, यानी जैसे ही कोई लेन देन होगा बिजनेस के अंदर तो सबसे पहले उसे हम ट्रांजैक्शन का नाम देते थे। तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते थे। जिस बुक में रिकॉर्ड करते थे हम उसको जर्नल कहते थे, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग के बाद हम उन्हीं अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते थे अकॉर्डिंग टू नेचर, और वो जिस बुक में हम करते थे उसको हम बेटा लेजर कहते थे। उसके बाद बेटा हमने इन तमाम लेजर्स की समराइजिंग करनी है, इनकी समरी बनानी है, तो वो जो समरी जहाँ पे मेंटेन की जाती है उसको हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। अब ट्रायल बैलेंस है क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट और अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस of all the accounts in the ledger, यानी ये एक statement होती है जिसमें balances होते हैं, जितने भी ledgers accounts के balances होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर mention किए जाते हैं। Which is prepared by taking out debit and credit balance of all the accounts. अब हमने trial balance के अंदर क्या करना है बेटा, कि हमने जो ledger के balances आए होंगे, जो कि debit balance होगा, credit balance होगा, उन balances को हमने trial balance के अंदर record करना है। ट्रायल बैलेंस जो बेसिकली बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री में भी पढ़ा था कि हर डेबिट के साथ क्रेडिट होता है और दोनों सेम अमाउंट के साथ होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस इसी चीज की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है, क्या वो हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है या नहीं किया, उसको मैथमेटिकली चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट दिया गया है, सबसे ऊपर आपने नेम लिखना है ट्रायल बैलेंस की, एज ऑन आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी, जो भी क्वेश्चन के अंदर डेट दी जाएगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने सीरियल नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद एक कॉलम बनेगा डिटेल्स भी। अब इसे अकाउंट्स टाइटल का नाम देते हैं, यहाँ पे हमने वो तमाम लेजर्स के जो अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे उनके हमने नेम यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे लेजर फोलियो को कॉलम आएगा, यहाँ हम अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ये हमारे जो जिस लेजर को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे, ये पेज नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इज दैट क्लियर। अब बेटा हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमने इसको किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर अपने लेजर बैलेंसेस को, उसको देखते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें मैंने बेटा सबसे पहले जर्नल बनाया, जर्नल के बाद मैंने लेजर्स मेंटेन किए। पहले हम अपने जर्नल की तरफ देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये परफॉर्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास बेटा 5 एंट्रीज दी गई हैं जर्नल की, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बिजनेस ने फर्नीचर को परचेज किया, परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, बेटा गुड्स परचेज की, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स गुड्स को सेल किया उसकी एंट्री रिकॉर्ड की, सैलरीज अकाउंट को कैश अकाउंट, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की उसकी एंट्री रिकॉर्ड की। ये तो बेटा हमारी रिकॉर्डिंग स्टेप हो गया। अब रिकॉर्डिंग के बाद बेटा हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू नेचर, जिसे हम लेजर्स कहते हैं। तो बेटा लेजर में हमने क्या करना था कि जितने भी हमारे पास जर्नल के अंदर बैलेंस, जितने भी जर्नल के अंदर अकाउंट्स थे उनका हमने हर एक का अलग अलग से लेजर मेंटेन करना था, ठीक है। इसके लिए हमने टोटल 6 लेजर्स इसके अंदर बनते हैं, जैसे कि इसमें देखिए पहला अकाउंट कैश का है, दूसरा अकाउंट बेटा कैपिटल का है, तीसरा अकाउंट आपका फर्नीचर का है, चौथा अकाउंट आपका परचेजेस का है, पांचवा अकाउंट आपका सेल्स का है, और छठा अकाउंट आपका सैलरीज का। कैश ऑलरेडी हम बना चुके हैं इसलिए उसको बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 के 6 लेजर्स मेंटेन कर दिए हैं। बेटा आपने लेजर्स को प्रॉपर फॉर्मेट के तहत बनाना है, जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं प्रॉपर फॉर्मेट के तहत लेजर अकाउंट बना चुका हूँ, अब वहां से चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसे टी अकाउंट के, यानी इसको एक इनफॉर्मल वे में मैंने बनाया है, रफ फॉर्म में बनाया है, जिसे हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। इस तरीके से भी आप इस लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपने पेपर के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट को ही फॉलो करना है।
अब कैश अकाउंट का लेजर यहाँ पे बेटा बना हुआ है, यानी जहां जहां कैश डेबिट हुआ मैंने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ, और यहाँ पे डिटेल्स में हमेशा उसके ऑपोजिट अकाउंट, जैसे यहाँ पे कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से तो मैंने डेबिट कर दिया, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से मैंने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है तो बेटा क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो बेटा मैंने डेबिट कर दिया सेल्स की वजह से, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरीज की वजह से मैंने क्रेडिट कर दिया। तो बेटा मैंने सारे कैश के अकाउंट को पोस्ट कर दिया लेजर के अंदर, यानी इसके अंदर सिर्फ कैश के बैलेंस मेंशन है और किसी अकाउंट का बैलेंस मेंशन नहीं है। फिर मैंने इसका बैलेंस किया, बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, जो साइड मैक्सिमम होती है उसका टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं, जैसे इस साइड का डेबिट साइड 90,000 आ रहा था इसका टोटल दोनों तरफ लिख दिया, उस 90,000 में से बेटा ये मिनिमम टोटल जो दिए तीन वैल्यूज है इसको मैंने माइनस किया तो हमारे पास एक बैलेंस आ गया, उस बैलेंस वो अमाउंट है हमारे पास 45,000। तो बैलेंस हमेशा लिखा उसी साइड पे जाता है जिस जो साइड सबसे कम साइड होती है, लेकिन बेटा ये लिखा क्रेडिट साइड पे गया है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है, यानी लिखा क्रेडिट साइड पे या ऑपोजिट साइड पे जाता है लेकिन हमेशा पढ़ते हैं उसको डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट साइड पे लिखा गया तो हम इसको डेबिट बैलेंस पढ़ेंगे। इसी तरह बेटा कैपिटल का मैंने लेजर बनाया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से मैंने क्रेडिट कर दिया, और किसी एंट्री में कैपिटल नहीं है इसलिए मैंने इसका बैलेंस किया, ये मैक्सिमम टोटल दोनों तरफ मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस किया, बैलेंस मिनिमम साइड पे बैलेंस कैरीड ऑन 50,000 लिखा मिनिमम साइड पे, यानी ये डेबिट साइड पे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या क्रेडिट बैलेंस, इसको पढ़ेंगे क्या बेटा क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से बेटा मैंने फर्नीचर का बनाया अकाउंट, परचेजेस का बनाया, सेल्स का और सैलरीज का, यानी जितने भी जर्नल के अंदर अकाउंट्स थे वो मैंने अलग अलग से उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। अब जब हमने लेजर बना लिया यानी कि हम अकाउंटिंग साइकिल की तरफ चलते हैं, यानी हमारा पहला स्टेप था ट्रांजैक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके बेटा, दूसरा था हमारा जर्नल वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तीसरा था बेटा हमारा लेजर, तो ये सारे लेजर्स भी मेंटेन करती है। अब हमने इन तमाम लेजर की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और डबल एंट्री सिस्टम क्या ये हमारा बैलेंस जितने भी हमने लेजर्स के अंदर बनाए क्या बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपने बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अब नंबर 4 पे हमारे पास बेटा ट्रायल बैलेंस होगा, अब देखते हैं हम इसको बनाते कैसे। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, आपने बेटा सबसे पहले आपका पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, आप इसको अकाउंट नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं कैश अकाउंट, तो यहां पे बेटा आपने सीरियल नंबर मेंशन करना है, सीरियल नंबर 1 और नाम लिखना है आपने कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और अब यहां पे मेंशन कौन सी अमाउंट करनी है बेटा, ये बैलेंस जो रेड कलर में लिखा हुआ ये मेंशन करना है। मैंने अभी स्टार्ट थोड़ी देर पहले बोला था बेटा बैलेंस लिखा तो ये क्रेडिट साइड पे गया है, लेकिन मैंने क्या बोला था इसको हमेशा हमने डेबिट बैलेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है डेबिट, यानी क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ तो डेबिट पढ़ेंगे, डेबिट साइड पे लिखा हुआ तो क्रेडिट पढ़ेंगे, ये क्रेडिट साइड पे लिखा गया है तो लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, कितना बैलेंस आ रहा है 45,000, तो बेटा आपने 45,000 रुपीज यहां पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से बेटा आपका अकाउंट नंबर 2 है, इसे आप अकाउंट नंबर 2 बोल सकते हैं, इसका नाम है कैपिटल, तो बेटा आपने यहां पे सीरियल नंबर 2 लिखा और कैपिटल कैपिटल अकाउंट बेटा। अब आप यहां पे भी बैलेंस ही रिकॉर्ड करना है, जो रेड साइड था आपका बैलेंस ही है इसको रिकॉर्ड करना है। अब बैलेंस किस साइड पे लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, मैंने क्या बोला था कि बैलेंस हमेशा मिनिमम साइड पे होता है लेकिन पढ़ते इसको मैक्सिमम साइड का बैलेंस है, मतलब ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या क्रेडिट बैलेंस, तो बेटा हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है 50,000। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से बेटा हमारा नेक्स्ट थर्ड अकाउंट है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या बेटा डेबिट बैलेंस, तो यहां पे हम मेंशन करेंगे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है उसका बैलेंस लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किस साइड पे डेबिट बैलेंस, बेटा ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास बेटा नंबर 4 है परचेजेस, बेटा इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या बेटा डेबिट बैलेंस,
यहां पे हम नाम लिखेंगे परचेजिंग अकाउंट और इसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड कर देंगे बेटा 30,000। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट नंबर 5, लेकिन ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट नंबर 5 सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड पे हम इसको लिख देंगे बेटा 40,000। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 जो हमारा लास्ट अकाउंट है सैलरीज अकाउंट, अब ये बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? डेबिट बैलेंस। तो नंबर 6 हमारे आ जाएगा सैलरीज अकाउंट और अमाउंट हमारे पास डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 5,000। तो बेटा ये हमारे तमाम लेजर्स, हमने उनके बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से ये वो बैलेंसेस हैं जो एट दैट हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर। इसलिए मैंने क्या बोला था, हमेशा एक बात याद रखनी है बेटा, देखें बैलेंस हमेशा मिनिमम साइड पे लिखा जाता है, लिखा मिनिमम साइड पे जाता है, लेकिन उसको पढ़ते हमेशा जो मैक्सिमम साइड होती है उसको पढ़ते। जैसे ये मिनिमम साइड इसकी क्रेडिट थी, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा गया, लेकिन इसको पढ़ेंगे ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंस। अब ये कह सकते हैं कि हमेशा ऑपोजिट, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने हमेशा क्या करना है, जो लेजर के अंदर जिस साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे लिखना है। यानी यहां पे क्रेडिट है तो आपने इधर डेबिट कर देना है, यहां पे बेटा डेबिट है तो इधर आपने क्रेडिट कर देना है, इधर क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट है तो ये भी डेबिट हो जाएगा, इधर डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और इधर क्रेडिट है तो ये डेबिट। ये सारे के सारे लेजर्स के बैलेंसेस हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर दिए, इसको समराइज कर दिया। अब बेटा हमने चेक करना है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्या ये करेक्ट बैलेंस है कि नहीं है। तो हमेशा हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के तहत कि डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट, कि डेबिट जो है वो मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल कर दें, अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा हम इसका टोटल करते हैं 50 और 40, यानी 50 और 40, ये 90,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा। इसी तरीके से ये हमारे पास टोटल है 45, 55 और इसके बाद हमारे पास 60 और 90। तो बेटा इसका टोटल भी हमारे पास 90,000 आ गया। तो ये इस बात की यकीन आनी है कि हमारे दोनों साइड जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि बेटा हमने ट्रांजेक्शन से जो जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेजर बनाए, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ये कंप्लीटली हमारा करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं है। जब भी आंसर आपका इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपके लेजर्स अकाउंट बिल्कुल करेक्ट बने, इसमें भी कोई गलत नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल था, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप ट्रांजेक्शन, सेकेंड जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम बेटा फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। उसका जो क्वेश्चन होगा वो हमारा ट्रायल बैलेंस ही होगा। मतलब ये कहने का है कि ट्रांजैक्शन जब आएगी उससे हम जर्नल बनाते हैं, और जर्नल होगा तो बेटा लेजर बनेगा, बेटा लेजर होगा तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस होगा तो हम जो लास्ट अकाउंट बनाएंगे फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो हमारे पास फाइनल अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस को बनाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।